Hello dear students, we are studying determinants chapter number 4 and this is lecture number 2. In this lecture we will discuss the properties of determinants. Why we need these properties of determinants? Hame determinants ki in properties ki zarurat kyun hai? Last lecture mein humne evaluation humne की थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। और जब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 को एवेल्यूएट किया था तो हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जो तीन एलिमेंट थे उनको एक्सपेंड किया था, फिर उनको ऐड किया था और इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट आया था। लेकिन मैंने वहाँ पर एक आपको रिजल्ट बताया था जिसमें मैंने कहा था कि वेन वी चूज ए रो आर कॉलम तो वी विल consider that row or column which have maximum number of zero. ऐसी row और column को select करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा zero है। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि जब हम उसे evaluate करेंगे तो हमारी जो calculation है वो minimize हो जाए। Same role ये जो properties हैं determinants की, ये role अदा करेगी कि जो हमारी जो जब हम properties को use करेंगे एवेल्यूएशन करते हुए डिटरमिनेंट्स को, तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसको मिनिमाइज ये कर देंगी। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका हम रिजल्ट जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? द वैल्यू of the determinant remains unchanged if its row and column are interchanged. क्या कह रही है प्रॉपर्टी? कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी चाहे आप उसके रो और कॉलम को आप चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब जितने रो है, मान लो दो रो है, दो रो को आप कॉलम बना दें। अगर तीन रो है तो तीन रो को आप कॉलम बना दें, तब भी उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट का पहले हम इसे इस डिटरमिनेंट की एवेल्यूएशन कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या है? ये डायगनली हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 माइनस, फिर आप माइनस 1 × 3 और मेरे पास कितना का 4 + 3 = 7। अब हम इंटरचेंज करते हैं, इसके रो जो है वो कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मैं इसे इंटरचेंज कर रहा हूँ कि रो जो है ये रो नंबर 1 है, इसे मैं कॉलम नंबर 1 में लिख रहा हूँ। ये आ गया जी 1 3 और ये -1 4 सेकंड रो है, इसे मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम इसकी एवेल्यूशन करते हैं, तो ये इसे सॉल्व करें, 1 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3 × -1 ये आएगा जी 4 + 3 = 7। तो हमने क्या किया, कॉलम और जो रो है वो कॉलम बना दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया, तब भी इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। सिमिलरली हम एक और कर लेते हैं, क्या करते हैं कि अब हम जो यहाँ पे कॉलम है ये है C1 C2, इसके रो बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 - 1 है तो मैं इसे रो में लिख रहा हूँ 1 - 1। सेकंड कॉलम क्या, 3 4, तो इसे मैंने सेकंड रो में लिख दिया। चलिए इसे आप सॉल्व करें, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 - 3 × -1 कितना गया जी 4 + 3। तो क्या हुआ, आपने चाहे कॉलम से रो बना दिए, रो से कॉलम बना दिए, तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जब हम किसी डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करें तब भी उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लो ये एक डिटरमिनेंट है, आप इसका ट्रांसपोज कर दें तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है जी, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रो
of a determinant are interchanged, then sign of the determinant changes. क्या कहता है? किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो, सभी की बात नहीं कर रहा, एनी टू रो, उनको इंटरचेंज करना है तो कहता है कि उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी बट साइन चेंज होएगा। साइन का मीनिंग, अगर बिना प्रॉपर्टी के उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये एक एक एग्जांपल ले ली मैंने। तो यहाँ पे पहले हम इसे इस डिटरमिन को एवेल्यूएट करते हैं, फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर चेक करेंगे कि बाकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव होती है कि नहीं होती है। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इसे एवेल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट रो को हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये फर्स्ट रो है, तो पहले वन को एक्सपेंड करेंगे, ये आ गया जी वन। तो आपको पता वन का रो और वन का कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा, ये आ गया जी 3024। सेकेंड जो एलिमेंट है टू है, और उसके साथ क्या लगेगा? माइनस। ऐसा क्यों? कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी पोजीशन है रो फर्स्ट, रो कितनी है? फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है? सेकेंड। तो कितना हो गया जी? थ्री। तो थ्री क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो माइनस आएगा, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो माइनस टू आ गया, और टू का ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1014 +1। तो यहाँ पे ये वन को एक्सपेंड करना है, तो वन का रो और वन का कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ गया -1312। तो आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया जी 3 × 4 दैट इज 12, 2 × 0 -0, आगे -2, आगे देखिए -1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 +1 -2 -3, और ये आपके पास आंसर आ गया जी 12, और -4 और -2 दैट इज +8, और ये आ गया जी -5, आपके पास बन गया जी +15। अब हम इसकी कोई दो रो को इंटरचेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो रो वन है, दिस इज रो वन एंड दिस इज रो टू, इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड रो है ये मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया जी -1 3 0, और जो फर्स्ट रो है वो मैंने सेकंड रो बना दी, और थर्ड रो को मैंने एज इट इज, तो हमने दो रो को इंटरचेंज किया है। अब हम इसकी एवेल्यूएशन करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और देखते हैं क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि यहाँ पे +15 है तो ये इसका साइन चेंज होगा। तो इसके लिए पहले सॉल्व करते हैं, तो -1 को आपने एक्सपेंड कर, ये लीजिए जी, तो -1 का रो और -1 का कॉलम ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा जी 2124, और सेकंड है 3, तो 3 के साथ माइनस लगता है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ऑड बनता है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। 3 का कॉलम और 3 का रो नहीं आएगा, तो आएगा जी 1114, और थर्ड जो है वो 0 है, तो इसके साथ आप डिटरमिनेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट कुछ भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, इसलिए हमें से छोड़ देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया -2 × 4 कितना आ जाए 8, 2 × 2 -3, 4 × 4 -1, एंड दिस इज 8 6 -6, और दिस इज 4 − 1 दैट इज 3, 3 × 3 -9 दैट इज -15। यहाँ पे क्या आ गया कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, और साथ में क्या आ गया? इसी प्रकार अगर आप कॉलम को भी इंटरचेंज करेंगे तब भी जो आपकी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम रहेगी, लेकिन साइन आपका चेंज हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखें क्या है, इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। क्या कह रहा है कि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल तो उसकी वैल्यू आप क्या मानेंगे? जीरो। चलिए देखते हैं, इसे पहले हम प्रूव करके देखते हैं। तो मेरे पास ये एक
यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें तीन रो हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब हम हमें क्या कह रहा है कि अगर दो रो के एलिमेंट बराबर है, यहाँ देखिए R1 और R3 के जो एलिमेंट है वो सेम है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में कितना है 1, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में कितना है 1, यहाँ इसका ये 2 है, इसका भी यहाँ 2 है, इसका थर्ड एलिमेंट 4 है, इसका थर्ड एलिमेंट भी 4 है, तो प्रॉपर्टी कह रही है कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। चलिए फिर यहाँ पे हम प्रूव करके देखते हैं कि वाकई इसकी वैल्यू 0 है, तो इसे आप एक्सपेंड करें, ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 का हमारे पास रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आएगा जी 3 0 2 4, आगे है 2, ये इसके साथ माइनस लगेगा और 2 का जो कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा, -1 1 0 4, और थर्ड है 4, इसके साथ पॉजिटिव आता है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर बनता है दोनों का जो पोजीशन है, और थर्ड देखें 4 आएगा, और यहाँ पे 4 का ये कॉल रो और ये कॉलम नहीं आएगा, तो ये आएगा जी -1 3 1 2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया जी 4 3 12 2 0 0 हो जाएगा, छोड़ दे इसे, -2, -1 को 4 से करेंगे -4, 1 को 0 से करेंगे 0 छोड़ दें, +4, -1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 3 से करेंगे तो -3, यहाँ पे आ गया मेरे पास 12, ये बन गया जी +8, और ये 3 और -2 -3 -5 -5 4 से करेंगे -20, और ये कितना आ गया जी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिन इज 0, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, कहता इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। क्या कह रहा है कि कोई एक आप डिटर्मिनेंट लें, उसके किसी एक रो के एलिमेंट्स, एक रो के एलिमेंट्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो जो वैल्यू है जब आप उसको आप वैल्यूट करेंगे तो एक्चुअल में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसके साथ वो के जो है कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई जाएगा वो उसके बराबर होगा। चलिए इसे एग्जांपल लेके समझते हैं, देखिए ये एक यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं और इसे हम वैल्यूट करते हैं पहले, ठीक है, तो ये 1 और 2 दैट इज 2, और ये -1 3 कितना बन गया जी 2 + 3 = 5। अब क्या कह रहा है कि एक कांस्टेंट के को अगर हम कांस्टेंट के को डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैं फर्स्ट रो के साथ के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, ये बन गया जी के 3 के -1 और 2, ठीक है, और इसे आप सॉल्व करें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के इंटू डिटर्मिनेंट, तो ये जो हमने के मल्टीप्लाई किया है ये इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 के, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं के की वैल्यू है ना 5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो चलिए इसे प्रूव करके देखते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है। ये देखिए ये हमारे पास जो डेल्टा है वो कितना आएगा 5, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 5 5 3 15 -1 2, फर्स्ट रो को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 5 × 2 -1 × 15 ये बन गया जी 5 × 2 10 + 15 = 25। जब आपने
फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5, और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 × डेल्टा, क्योंकि ये इस डिटरमिनेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू है मल्टीप्लाई से पहले वो कितनी है 5। जब मैंने इसकी एक रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या कर रहा है कि ये जो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये दोनों बराबर हैं यहाँ पे, ये डेल्टा डैश इंटू इज इक्वल टू 5 × डेल्टा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड दो रिजल्ट हैं, देखते हैं वो क्या रिजल्ट है। फर्स्ट रिजल्ट देखिए, कहता वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो आर एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। क्या हो रहा है कि आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो से या कॉलम से कोई कॉमन नंबर बाहर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखिए ये है 5, 10, 25, 1, 2, 3, 5, 7, 8। ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट है, और जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए 5 × 1, 5 × 2, 5 × 5, और ये आएगा 1, 2, 3, 5, 7, 8। और फर्दर मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखिए क्या जो फर्स्ट रो है उसके जो एलिमेंट्स हैं 3, क्या उसमें सब में 5 जो है वो एक फैक्टर है। ये देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 5 फैक्टर है इसका, इसे आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच गया 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5, 7। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। सिमिलरली अगर सेकंड रो में भी कोई कॉमन फैक्टर होता तो वो भी इस डिटरमिनेंट के बाहर आ जाना था, इसके साथ मल्टीप्लाई होता यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट कह रहा है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। क्या कह रहा है कि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो के जो एलिमेंट्स हैं अगर दे आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है और ये है जी 1, 0, 2, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 36। तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे रिजल्ट है इसी को लगाते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो फर्स्ट रो है इसमें से कुछ फैक्टर बन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 17, 6 × 3, 6 × 6, और ये 1, 3, 4, 17, 3, 6। और यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे फर्स्ट रो में कॉमन है तो 6 यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या क्या बन जाएगा 17, 3, 6, 1, 3, 4, 17, 3, 6। क्या मैं इसे 0 लिख सकता हूँ जी, कैसे, ये जो फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है इनके जो एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी की है कि इफ इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू रो आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आर इज 0, हमारे पास रिजल्ट क्या है कि क्या कोई दो रो के जो एलिमेंट हैं क्या वो प्रोपोर्शनल हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उसे लिख लेते हैं 1, 0, 2, 18, 36, और जो थर्ड रो के जो एलिमेंट है उनके साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ 17,
6, ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो इनके 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, अगर ये प्रोपोर्शन है तो इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया वो कितनी है, 0। तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स, क्या बोल रहा है, किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट वो दो के टर्म्स में लिखे हों, मतलब दो टर्म्स हों, एक एलिमेंट है लेकिन टर्म्स उसमें दो हो, तो आप उससे कैसे लिखेंगे, कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, अगर दो दो एलिमेंट हैं तो आपके पास दो डिटर्मिनेंट बन जाएगी, अगर दो से ज्यादा एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट में दो से ज्यादा टर्म्स हैं, मतलब तीन टर्म्स हैं, तो आपके पास तीन डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग आप लिख सकते हो। चलिए देखिए कैसे, एक यहाँ पे ये देखिए, ये एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं, अगर दो टर्म्स हैं तो इसके कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, दो बन सकते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स होते तो फिर इसके कितने डिटर्मिनेंट्स बनने थे, तीन बनने थे, तो फिर मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a1 a2 a3 b1 v2 b3 c1 c2 c3 प्लस प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे सेकंड जो डिटरमिनेंट λ1 λ2 λ3 और जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट भी एज इट रहेंगे, तो v1 v2 v3 c1 c2 c3। तो अब इसका फायदा क्या है कि आप इसे एवेल्युएट करेंगे तो थोड़ा टीडियस वर्क है, यहाँ पे ये दो डिटरमिनेंट बन गई, इन्हें आप एवेल्युएट करेंगे तो आसानी से एवेल्युएशन हो जाएगी, वैल्यू आपकी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, इफ एनी टू रो, क्या कह रही है, इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो इज एडेड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम, क्या कर रहे हैं, किसी एक रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज मल्टीपल ऑफ अनदर रो हो गया, उसे आप ऐड कर दे किसी दूसरी रो में, तो इस प्रकार करने पर जो आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कैसे, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, क्या ऑपरेशन लगाया, आर वन में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि आर वन प्लस के आर थ्री, आपने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है और उसमें आपने ऐसे ही ऑपरेशन लगाए थे, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया कि आर वन में, आर वन में एक एक रो है, एक रो है थर्ड, थर्ड रो को पहले हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसमें ऐड किया, तो कहता है कि उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा कि सी वन के मल्टीप्लाई किया तो ए वन प्लस के सी वन, फिर ए टू प्लस सी प्लस के सी टू और थर्ड बनेगा ए थ्री प्लस के इंटू सी थ्री, तो ये इसकी वैल्यूएशन मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ यहाँ पे जो के है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे और आपको समझ आएगा, ये देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0, ठीक है,
और यहाँ पे हम ना ये लिख सकते हैं, ये है ये डेल्टा इज इक्वल डेल्टा डैश, दोनों बराबर हैं जी। तो यहाँ पे देखते हैं बराबर है, तो ये मेरे पास डेल्टा आ गया 1230, आप इसे वैल्यूड करें, ये आ गया 0 -6, दैट इज -6। अब हमने इसमें एक ऑपरेशन लगाना है, फिर ऑपरेशन लगाने के बाद देखते हैं कि वाकई वैल्यू सेम आती है, तो ऑपरेशन हम यही लगाएंगे, R1 R1 +2 R2। यहाँ पे K की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, R1 में प्रेशर लगा रहा हूँ, R2 में कोई प्रेशर नहीं, तो R2 को आप एज इट इज लिख लो पहले। अब R1 में आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्या प्रेशर है कि पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R1 में ऐड करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 6 को 1 में ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, और 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया और 2 में ऐड कर दिए, और यहाँ पे क्या बन गया, 7 2 3। चलिए इसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 2 से मल्टीप्लाई कितना 6, दैट इज -। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि किसी एक रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और दूसरी रो के साथ ऐड कर दें, तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो रो की जगह आप कॉलम भी ले लें तब भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 है वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को यूज करके उन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। That's all.